लेकिन अगर यूनिवर्सिटियां बनिया तो उदे च भी लोगों की सरकारी रोजगार मिलिया, कॉलेज बने स्कूल बने तो उदे च भी रोजगार मिलिया, अगर मेडिकल कॉलेज बने तो उत्थे भी रोजगार मिलिया, अगर इतने पीएचडी दी स्कीमां बनिया, बिजली दी स्कीमां बनिया, सड़कें दी स्कीमां नवी सड़कां बनिया, हर जगह पोस्टां निकलिया और हजारे की तादाद जम्मू का और कश्मीर का नौजवान जिहड़ा है लोकल नौजवान वो लग्या। अज डेली वेजर की परमानेंट करने की गल है, अंज उन्हें की परमानेंट नहीं किया गया। तो मैं ज्यादा नहीं आखते हुए जनाब की ये रिक्वेस्ट करगा, तुसे आपू दिखी लिया कि सारे लोगों दो दो हाथ खड़े करिए डिमांड की है कि तुम बिजी बड़े हो क्योंकि तुंदे ऊपर पूरे हिंदुस्तान का बोझ है, हिंदुस्तान की कांग्रेस का बोझ है। मैं एक बार फिर अपील करगा सारे साथियों, एक दफा फिर खड़े हाथ करो और आजाद साहब की आज रिक्वेस्ट करने हैं कि दोबारा एक बार चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बनो ताकि जेड़े साढ़े काम रुके दे नो फिर शुरू होन, साड़ी तरक्की फिर शुरू है, साड़े नौजवानों की रोजगार फिर मिले। और एदे वास्ते तुंदे अस बहुत ही ज्यादा धन्यवादी हैं, मैं ज्यादा नहीं आखदे होए। ऐसे में आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में जो काम किया है वो पिछले 70 साल इनसे ना इनसे पहले ना इसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने उसके 10% भी कार्य किया होता तो शायद आज रियासत जम्मू कश्मीर की ये हालात नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूँ आजाद साहब ने जिला कठुआ में बिना मांगे मेडिकल कॉलेज जिसके पीते जो भाजपा ने 3-3 बाल काटे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इनके बाल काटे, गवर्नर रियासत के 3 गवर्नर आए, तीनों ने बार बार फीते काटे। भाजपा की सरकार फीते काटने वाली सरकार है, माननीय गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार लोगों के काम करके लोगों को सुविधा देने वाली सरकार थी। आज कठुआ में मेडिकल कॉलेज है, कठुआ में 200 बेड का हॉस्पिटल है, बयार में 100 बेड का हॉस्पिटल है, हीरानगर के 80 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड करना, बयावर में नर्सिंग कॉलेज, कठुआ में नर्सिंग कॉलेज देना, जिला कठुआ में 7 डिग्री कॉलेज माननीय गुलाम नबी आजाद साहब के पेट में बने। आजाद साहब बहुत से प्रोजेक्ट अधूरे हैं, बहुत सी तमन्नाएं अधूरी हैं लोगों की बड़ी आशा है आपके पास, लोगों की बड़ी उम्मीद है आपके पास। ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आपके हैं, ये लोग आपके साथ हैं। वक्ती तौर पर कहीं हम लोग गुमराह हुए हैं, उस गलती का खमाजा हमने भुगता, हमें एहसास हो गया, आज एहसास हो गया ये गुलाम नबी आजाद साहब क्या शख्सियत थे, उनका विजन क्या है और उनका क्या मॉडल था रियासत जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, और उन्होंने साजिश करके आपको जहां से बाहर लेने की कोशिश की। हम निवेदन करते हैं और कोशिश करते हैं आप जम्मू कश्मीर को संभालिए, आप जम्मू कश्मीर की पार कर सकते हैं। इतनी कहते हुए मैंने कोई गलत शब्द कहे हो मैं आपसे माफी चाहूंगा। इस डिस्ट्रिक्ट के मेरे सभी तबकों से संबंध रखने वाले भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा सभी लीडरों से जो बोल नहीं पाए और उसमें लोकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं। मैंने उन्हें बताया कि अगर सब बोलेंगे तो फिर शाम यही हो जाएगी, बेहतर है कि सिर्फ लोकल लीडर बोलें और हमारे साथी जो लीडर्स दूसरी जगह से हैं वो आने वाले वक्त में अलग अलग जगहों पे मीटिंग किए। यहां मौजूद सबका स्पीकर और सबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री ताराचंद जी, एक्स मिनिस्टर, एक्स जनशक्ति पीसीसी और डीसीसी के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, एक्स एमएलसी और बहुत समय तक डिस्ट्रिक्ट के सदर रहे हैं 10-15 साल सुभाष गुप्ता जी, हैदर अली मलिक साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं, देवेंद्र सिंह बिंदु जी,
सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं और हमारे स्टेट के एक्स मिनिस्टर और एक्स नहीं अभी वाइस प्रेसिडेंट है अभी भी पीसीसी के जीएम सोरूरी साहब, एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी, एक्स मिनिस्टर विकार वसूल वानी साहब, मैं यहां सुरुड़ी साहब को और विकार साहब को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि कल और परसों इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई और जोश से उसको देखते हुए भी आज हमने छोटी मीटिंग की क्योंकि वो चार चार पांच पांच घंटे चली। एक्स मिनिस्टर चौधरी गारू राम जी, हमारे एक्स एमएलए पुनसे चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, जो हमारे स्वर्गीय सीनियर लीडर चौधरी असलम साहब जो हमारे स्पीकर रहे थे, मंत्री रहे थे, उनके सुपुत्र हैं। हमारे एक्स एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, हमारे जम्मू बार काउंसिल के प्रेसिडेंट एमके भारद्वाज साहब, हमारे एक्स एनएसयूआई और एक्स पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी विनोद मिश्रा जी, बीडीसी के चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह जी, बीडीसी के दूसरे चेयरमैन विजय तकोटरा जी, हमारे एसटी बरादरी के लीडर चौधरी लतीफ साहब, कॉरपोरेशन के मेंबर और सीनियर यूथ कांग्रेस के लीडर गौरव चोपड़ा जी, कॉरपोरेशन के मेंबर्स शोभत अली जी, नरेंद्र शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, अश्विनी जी, सोनम शाह जी, श्रीमती अंडोत्रा आराधना अंडोत्रा जी, जय सिंह जी, सुभाष भगत जी जो हमारे कैंडिडेट रहे हैं दो दफा एमएलए के, अशोक शर्मा जी, महेश्वर सिंह जी, अनमोलक सिंह जी, यहां डीडीसी के मेंबर्स, बीडीसी के मेंबर्स, अलग अलग जगहों के म्युनिसिपैलिटी के मेंबर साहिबान और मेरे भाइयों और साथियों, हांडा साहब जी वाले हमारे भाई और बहने सरपंच साहिबा, इधर वाले तो दिखते ही नहीं, बहुत मैंने नोटिस किया कि आधा ही सही दिखता है, ये हमारे पहले साथियों ने नोटिस नहीं किया। असल में हम लोगों को और आप लोगों को, सुनने वालों को और सुनाने वालों की आदत भी इन दो ढाई सालों में खत्म हो गई। मैं देख रहा हूं कि दो ढाई साल के बाद जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई। 5 अगस्त 2019 जब स्टेट का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में, तब से लेकर आज तक स्टेट में कैसा माहौल बना जिसके कारण मीटिंगें करना असंभव हुआ। पहले तो एक आध साल सरकार ने कई हजारों लोगों को बंद रखा, लीडरों को भी, वर्करों को भी, और जो जेलों में नहीं थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर दिया। जब 5 अगस्त था तो पार्लियामेंट चल रहा था, मैंने कोशिश की दो बार कश्मीर जाने की, एक बार जम्मू आने की, लेकिन तीनों बार
एयरपोर्ट पे चार चार पांच घंटे रहने के बाद हमें वापस दिल्ली पर भेजा गया। उसके बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलना पड़ा, उनके सामने जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत दी तीन चार डिस्ट्रिक्टों में जाने। तब मैं कश्मीर भी गया और जम्मू भी तीन चार दिन रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आप जा सकते हैं लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो इसलिए दोबारा नहीं आ पाया क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकें तो श्रीनगर और जम्मू में आके क्या करना। और उसके बाद कोविड ने, कोविड की लपेट में पूरी दुनिया आ गया, जम्मू कश्मीर और हमारा मुल्क भी आ गया। आप सबको, हम सबको उससे भी निपटना पड़ा, जिसकी वजह से आज हम कई अरसे के बाद दोबारा आप लोगों के पास आ सके हैं और एक दूसरे से मुलाकात कर सके हैं और सियासी बातों पे चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मैंने अपने कई भाषणों में जम्मू कश्मीर के बारे में और देश के अनेक हिस्सों में जो हालात हैं उन पे चर्चा की, चाहे वो देश भर में या हमारे स्टेट में बेकारी की बात हो, पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियों की बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे बढ़ती हुई कीमतें, चाहे वो गैस की हो, चूल्हे जलाने का गैस या पेट्रोल हो या डीजल हो या मिट्टी का तेल हो या खाने पीने की चीजें हो या गोश्त की कीमतें हो, सब्जियों की कीमतें हो, कपड़े की कीमतें हो, कोई भी चीज लीजिए, दालों की कीमतें हो, ये तमाम चीजों के दाम पिछले सालों में दुगने तिगने चार गुना हो गए। लेकिन लोगों की, आम जनता, चाहे वो मुलाजिम हो या गरीब आदमी हो, उसकी आमदनी, मुलाजिम की आमदनी तो उतनी ही रही लेकिन गरीब लोगों की मजदूरी खत्म हो गई क्योंकि पूरा निजाम दो साल से ठप था। पहले 5 अगस्त 2019 की वजह से और बाद में कोविड की वजह से मजदूर को मजदूरी नहीं, कारपेंटर, त्रिखान को, मेसन को, उसको कोई मजदूरी नहीं, किसान को अपने पैदा किए हुए चीजों के पूरे दाम नहीं मिलते। और आज हम देखते हैं पूरे मुल्क में और विशेष रूप से खास तौर से जम्मू कश्मीर में गरीबी की हद तक लोग पहुंच गए। आज हम यही बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए आए कि 5 अगस्त 2019 केंद्रीय सरकार ने जो कदम उठाया वो गलत कदम था, उससे जम्मू कश्मीर की जनता का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पिछले 30-31 वर्षों से जम्मू कश्मीर वैसे ही पीछे था, भयंकर
मिलिटेंसी की वजह से हजारों नौजवान, हजारों हमारी फौज के साथी, हजारों हमारे पुलिस के साथी इस आतंकवाद का शिकार हो गए, जिनकी तादाद तकरीबन 50-60 हजार से ज्यादा। एक छोटी सी स्टेट में, मैं आतंकवादियों की बात नहीं करता, मैं आतंकवादियों के बगैर जो हमारे सिविलियंस, जो निहत्ते लोग मिलिटेंट के हाथों का शिकार हो गए, उनकी भी तादाद हजारों में, और जिसकी वजह से हजारों बल्कि लाखों की तादाद में यतीम बच्चे हो गए और हजारों की तादाद में बेवाएं हमारी रियासत में, और जो हमारे फौजी भाई रियासत से बाहर थे वो बेवाएं भी उन राज्यों में बेवाएं हो गई। हमें अफसोस है, हम उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अल्लाह से, भगवान से ये दुआ करते हैं कि आतंकवाद से हमें निजात मिल जाए और हम फिर दोबारा खुशहाली की तरफ जाएंगे। लेकिन हमें उठने का मौका नहीं दिया गया। एक विंडो मिली थी, 96 में सरकार बनी, फारूक साहब ने 6-7 साल के बाद इलेक्शन हुए थे लोकसभा राज्यसभा के, तो कुछ सांस लेने का मौका मिला। उसके बाद हमारी सरकार आई कांग्रेस की, तो हमने वो पिछला जो बैकलॉग था कई सालों, 1990 से लेकर जो बैकलॉग था, उस बैकलॉग को एक शिफ्ट में नहीं, दो शिफ्ट में नहीं, तीन शिफ्टों में उस बैकलॉग को पूरा करने की कोशिश की। और मैं यकीन से कहता हूं, मेरे 45 साल राजनीति में, मैंने वैसे हमेशा मेहनत की है, लेकिन तीन शिफ्टों में मैंने भी खुद कभी काम नहीं किया, क्योंकि मैं भी रात को 2 बजे कभी कभी 4 बजे सुबह उठ के काम देखने जाता था साइट पे कि ये ट्रिपल शिफ्ट में काम भी चल रहा है कि खाली जबानी काम हो रहा। तो लोगों के साथ, और इन 2.5 सालों में मैं सिर्फ 4 घंटे सोया, तो तब जाके मनोहर लाल जी ने यहां बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी, कई चीजें उनको शायद याद नहीं और पूरे स्टेट की नहीं है, वो ज्यादा अपने इलाके की बात कर रहे थे, लेकिन वाकई हुई। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, कभी कभी मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि क्या ये वाकई संभव था 2.5 साल में ऐसा करना, इतनी चीजें करना तो बड़ा मुश्किल, लेकिन हो गया। मैंने एक चीज देख ली है उसके बाद कि अगर सरकार चलाने वाले की इच्छा हो, हुक्मरान अगर ये चाहे तो सब कुछ हो सकता। कभी कभी हम दोष देते हैं अपने मजदूरों को, अपने तरखानों को, अपने कंट्रैक्टर्स को कि ये काम नहीं करते। मैं उस पर यकीन नहीं करता, मुझे किसी से भी शिकायत नहीं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट बड़े से बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो पटवारी और नंबरदार तक का निचले लेवल का ऑफिसर क्यों ना, उन सब ने पूरी तरह से ट्रिपल शिफ्ट में काम किया। एक जुनून था, एक जोश था, एक वलवला था, एक जज्बा था लोगों को, जो मैंने खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने का नारा दिया था। और मेरी लिस्ट में धर्म के नाम पर
मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, फॉरवर्ड के नाम पर, गांवों के नाम पर, शहरों के नाम पर कोई ऐसी चीज मेरी किताब में, मेरी डायरी में नहीं था। इंसानियत और जिसको जरूरत, जहां सड़क की जरूरत थी वहां सड़क दी, जहां पुल की जरूरत थी वहां पुल दिया, जहां कॉलेज की जरूरत थी वहां कॉलेज दिया, जहां अस्पताल की जरूरत थी वहां अस्पताल दिए, और जहां जमीन की जरूरत थी। बहुत सीबीआई की इंक्वायरियां हो रही है, बहुत कोर्ट में जा रहे हैं, रोशनी जमीन। लेकिन हम सरकारें जितने भी बनती हैं वो लोगों के लिए बनती है। सरकारी जमीन है ये लोगों के लिए, इसमें सरकारी जमीन हो, खालसा जमीन हो, मलकियत जमीन हो। अगर लोग ये देखें कि 1947 में, अगर वो देखें कि किसके नाम पर जमीन थी, चंद लोगों के नाम पर, लेकिन शेख साहब ने बाद में वो तमाम जमीन बांट दी, अलग अलग लोगों के दी, लैंड टू द टिलर हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में वो स्कीम लाई, लैंड टू द टिलर रहा। लेकिन सवाल यह है कि आज हर इंसान को, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान है, वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, या क्रिश्चियन है, राजपूत ब्राह्मण है, बैकवर्ड फॉरवर्ड है, या कश्मीरी है, या शहर का या देहात है, तो आप कहोगे उनको कि मलकियत जमीन के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो तब आप हकीकत से आंखें बंद लगते हैं। ये भी भूलना नहीं होगा कि आजादी के वक्त हमारी आबादी 32 लाख थी और आज 1.5 करोड़ है, तो ये 1 करोड़ 20 लाख क्या हवा में बैठेंगे? इनको तो जमीन चाहिए, इनको तो मकान चाहिए, इनको तो खेती चाहिए, इनको तो रोटी चाहिए, इनको तो सब्जी बैठेंगे। आप कहोगे 1947 में आपको ये जमीन मिली है, बस उसके बाद किसी को नहीं मिलेगी, तो 1 करोड़ 20 लाख और जो बढ़ गया है उसको हम जमीन नहीं देंगे? उसको कहेंगे ये सरकारी जमीन है तो ये खाली हवा में रहेगी, लेकिन तुमको मकान के लिए नहीं देंगे, तुमको रोटी बनाने के लिए नहीं देंगे, तो तुमको सब्जी उगाने के लिए नहीं देंगे, ये कहां का कानून? इसीलिए ये चीज लाई गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कि हिंदुस्तान में, हमारी ही गवर्नमेंट ने, यूपीए वन ने 2006 में एक कानून लाया कि जंगलात में जितने भी लोग रहते हैं सरकारी जमीन पे, वो कहां जाएंगे? इसलिए वो वहां मकान भी बना सकते हैं, वहां खेती भी कर सकते हैं और उसकी फसल अपने लिए उगा सकते हैं। लेकिन चूंकि यहां की असेंबली ने बदकिस्मती से वो कानून नहीं पास किया था, क्योंकि उस वक्त जो कानून दिल्ली में पास होता था, जब तक जम्मू कश्मीर उसको रेक्टिफाई या दोबारा बिल नहीं लाती थी, वो नहीं है। इसलिए हमने उसका रास्ता रोशनी के लिए लिया, लेकिन उसी तर्ज का जैसे पूरे हिंदुस्तान में था, वही कानून था, चाहे उस कानून का नाम लिया, लेकिन यही था कि जो जंगल में रहता, सरकारी जमीन पर रहता है, वो खालसा जमीन हो। हमारी सोच गरीबों की थी, इनकी सोच अलग। आज जो सरकार चला रहे, क्या हुआ? स्टेट तोड़ते वक्त क्या बताया गया था? स्टेट को दो हिस्से करते करते ये दो चीजें, चार चीजें, वैसे तो 20 चीजें बताई, ये बताया गया था कि यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाई गई है कि यहां बाहर वाला जमीन उद्योग के लिए नहीं खरीद सकता। मैं बताना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूं कई बार, आपको बताना चाहता हूं, जो मैं वहां कह चुका हूं वही बताऊंगा। अगर जमीन
बाहर वालों को नहीं दी तो ये कठवा सांबा और जम्मू में 13,000 उद्योग कैसे लगे, ये हवा में लगे। इसमें तकरीबन 10,000 लोग तो बाहर के हैं, 3,000 जम्मू कश्मीर। तो ये 10,000 लोगों ने जो उद्योग लगाए हैं ये कौन से हवा में बिल्डिंगें बनी है, ये जमीन पे ही तो बनी। और पुरानी सबसे बड़ी इंडस्ट्री कठवा डिस्ट्रिक्ट में जो बिरला की है, जिसमें शायद सैकड़ों कनाल जमीन होगी, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बख्शी गुलाम अहमद के जमाने में दी गई, तब से देते आए। लेकिन बताया गया था कि नहीं आप इंडस्ट्री नहीं लिख सकते, और अब दफा 370 भी खत्म हो गया, स्टेट भी खत्म हो गई, यूटी हो गई, अब दुनिया के सबसे इंडस्ट्रीज आ गए। अरे मुझे एक बताइए, ये कठवा के लोगों सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यहां है, जरा हाथ खड़ा करिए, कोई एक इंडस्ट्री आई है, हां या ना, जोर से बोलिए। लेकिन 13,000 में से 750 बंद हो गई है, जो हमारे वक्त में 13,000 थी उसमें इन 2.5 सालों में एक नहीं आई, लेकिन पुरानी 7,500 बंद हो गई है। तो फिर क्यों ये बहाना किया था? मैंने पार्लियामेंट में जो स्कूल में मैंने पढ़ा था 8वीं क्लास में, तो वो कहानी सुनाई थी। एक जंगल में भेड़िए और बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे का मुकाबला हुआ। भेड़ की बच्ची ऊपर जा रही थी पहाड़ी की तरफ, और भेड़िया ऊपर से आ रहा था नीचे की तरफ। लेकिन भेड़िया जो ही भेड़ की बच्ची ने उसको देखा, वो भागने लगी, तो ऊपर से भेड़िया ने आवाज दी, ये 6वीं क्लास में था, अंग्रेजी में था, और उसने कहा रुक जाओ बच्चे, तुम बताओ मेरा पानी क्यों खराब कर रहे हो, गदला क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू मेकिंग माई वॉटर डर्टी। तो भेड़ के बच्चे ने कहा सर पानी तो आपके तरफ से, आप ऊंचे बैठे हैं तो वहां से नीचे आ रहा, मैं नीचे जा रहा हूं, पानी नीचे से ऊपर थोड़ी जा रहा, तो मैं आपका बदला पानी कैसे खराब कर सकता हूं, वहां कोई चश्मा ऊपर से नीचे आ रहा हूं। तो भेड़िए की आवाज बंद होगी। फिर भेड़िए ने कहा अच्छा तुमने मुझे पिछले साल गालियां दी थी। भेड़ के बच्चे ने कहा सर मैं पिछले साल तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो भेड़िया ने तब तक नीचे उतरते उतरते कहा कि अच्छा वो तुम्हारा बाप होगा इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ऐसी कहानियां हमको बताई गई थी कि इंडस्ट्री वाला नहीं खुल सकता, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां SC ST को रिजर्वेशन नौकरी में नहीं है। तो इस तरीके की कहानी लैला मजनू की सुनाई और बाद में हमको पकड़ ही लिया कि वो तुम्हारे बाप दादा ने फिर कोई कसूर किया होगा, तुमने नहीं किया, और हमारी स्टेट हमसे छीन ले गई। हमारी स्टेट छीनी क्या, हमारी पहचान छीन ली गई। हमारी पहचान जो जम्मू कश्मीर थी वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुरानी स्टेट थी। महाराजा गुलाब सिंह ने के जमाने से लेकर और महाराजा हरि सिंह तक जो स्टेट बनाई वो हिंदुस्तान की 101 साल तक सबसे बड़ी स्टेट थी एरिया के मुताबिक हिंदुस्तान की। उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों के वक्त ये स्टेट 1846 में बनी, 1846 में, और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं न सिर्फ महाराजा को बल्कि जनरल जोरावीर सिंह को, जिन्होंने इस स्टेट की तौसी की आगे बढ़ाया। वो जो पहाड़ हमारे यहां नहीं थे उन पहाड़ों को भी स्टेट में लाया, और तकरीबन 2,10,000
स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारी स्टेट बनी। उस वक्त हिंदुस्तान में 563 स्टेटें थी, 563 स्टेट, आप समझते होंगे कि कितने कितने किलोमीटर की स्टेटें होंगी, कितने हजार कुछ होगी, 5000 की, कोई 2000 की, 1000 की स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन हमारी स्टेट कितनी थी, 210,000 स्क्वायर किलोमीटर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट। और जिस वक्त 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और स्टेटें बनाई जा रही थी, 563 स्टेटों की सिर्फ 12 स्टेटें बन गई, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर, क्योंकि हैदराबाद उस वक्त हमारे साथ नहीं, जम्मू कश्मीर तो अकॉर्ड के जरिया, लेकिन उन 563 स्टेटों को मिलाकर सिर्फ 12 स्टेटें बनी। उसका मतलब हुआ कि उस वक्त जम्मू कश्मीर की स्टेट, इसमें कोई इंच भी बाहर से नहीं डाला गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी थी पहले। उस वक्त इसकी उम्र 101 साल थी, और आज जम्मू कश्मीर की उस वक्त 2 साल पहले तक 225 साल की बड़ी स्टेट, जो जम्मू कश्मीर में सबसे पुरानी स्टेट थी, इस पुरानी स्टेट का इसको हिंदुस्तान के स्टेट की नक्शे से निकाल दिया। यहां हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं, यहां जम्मू और कश्मीर का सवाल नहीं, यहां कोई मजहब का सवाल नहीं। मैं जिन लीडरों के नाम लेता हूं वो महाराजा थे, हिंदू राजा थे, मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी विशाल स्टेट बनाई, और जहां अंग्रेजों ने अपनी लपेट में पूरे हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करके बांटा, लेकिन उनकी जरूरत नहीं हुई इस जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों को बांटने की और टूटे करने की। मुझे अफसोस है कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो हमारी अपनी हुकूमत ने की, कि हमारे ही टुकड़े कर दिए। एक लद्दाख उधर से चला गया, जम्मू कश्मीर इधर से चला गया, अफसोस। मुझे खुशी इस बात की है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर गृहमंत्री ने यह मान लिया, पार्लियामेंट के अंदर भी दोनों ने मान लिया है, ऑल पार्टी मीटिंग में भी उन्होंने मान लिया है कि स्टेटहुड वापस दें। हम इंतजार करते हैं कि स्टेटहुड वापस आ जाए और फिर हमारी एक पहचान बने, वरना हमारा यहां का लड़का लड़की कहीं हिंदुस्तान में या दुनिया में पढ़ता तो वो क्या कहेगा, मैं एक यूटी का रहने वाला हूं, जम्मू कश्मीर जिसका इतिहास, जिसकी हिस्ट्री, जिसका ज्योग्राफिया, जिसकी तारीख इतनी पुरानी हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है दुनिया में जो कश्मीर के वो कश्मीर के नाम से न जानता हो, स्टेट के नाम से नहीं जानता हो। ये हमारी पहचान है, अपनी पहचान, हमारे पहाड़ों की वजह से, हमारे झरनों की वजह से, हमारी पुरानी संस्कृति की वजह से, हमारे मंदिरों की तरह वजह से, हमारी मस्जिदों, हमारी ज्यारतों की वजह से, हमारे कंपोजिट कल्चर की वजह से, ये हमारी पहचान, हमारी जो मेहमान नवाजी है उसकी वजह से, हमारी जो हॉस्पिटलिटी है उसकी वजह से, यहां हर धर्म के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं। इस छोटी सी स्टेट में हमारे देश के सभी धर्म यहां पलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ये वाकई में स्वर्ग है, दिखने में स्वर्ग है, कल्चर से, संस्कृति से स्वर्ग। यहां कोई जगह नहीं है जम्मू कश्मीर में कि हम धर्म और जाति के आधार पर इलेक्शन लड़े,
हम सबका धर्म अपनी अपनी जगह, लेकिन राजनीति का कोई धर्म नहीं। राजनीति का एक ही धर्म है, वह है मानवता, वह इंसानियत। और मैं बार बार कह चुका, सेंटर में, पार्लियामेंट में, जहां भी रहा, कि तीन चार लोगों को धर्म तो हर इंसान ने अपनाया है, रास्ता अलग अलग है पहुंचना, सब भगवान ने, अल्लाह के पास। कोई इसे अल्लाह कहता, कोई राम बोलता, कोई वाहिगुरु जी को बोलता याद करता, कोई क्राइस्ट को याद करता, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक हमारा जो फर्ज है, जो पॉलिटिकल फर्ज है, या जब हम प्रोफेशन में जाते हैं, अलग अलग प्रोफेशन, तो एक ऐसा धर्म है वो इंसानियत का धर्म। उस वक्त किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी प्रधानमंत्री मंत्री का, किसी भी मुख्यमंत्री का, किसी भी एमपी एमपी एमएलए का एक ही धर्म होगा, होना चाहिए कि ये मेरे भारतवासी हैं, मेरे देश के हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं। एक डॉक्टर को अपना धर्म उस वक्त भूलना चाहिए, उसका धर्म सिर्फ यही होना चाहिए कि रिश्ता उसका पेशेंट और डॉक्टर के बीच में है, उसमें कोई धर्म नहीं है, वो दलित है या राजपूत है या हिंदू है मुसलमान। एक टीचर है, प्रोफेसर है, उसका एक ही धर्म होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का जो रास्ता का वो धर्म होना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। मेरे स्टूडेंट का और मेरे टीचर का क्या नाम है, इसका क्या धर्म है, दोनों को भूल जाना चाहिए, तब ये देश, ये हिंदुस्तान, ये देश है हमारा, जो गांधी ने सिखाया, जो नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद ने सिखाया, जिसके लिए हजारों और लाखों किसानों ने, नौजवानों ने, पत्रकारों ने, गायकों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए। आज हमें इस स्वतंत्र भारत में, 21वीं शताब्दी में, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इसको लोगों को बंटवारा करके वोट हासिल करते हैं और हुकूमत बनाने के, किसी लेवल पे हो, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो और किसी, कहीं भी पार्टी का, मैं कोई एक विशेष पार्टियां की बात नहीं करता हूं, सभी पार्टियों में ये एक बहुत बुरी आदत लग गई, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर। इससे हम कहां पहुंचे? इससे तो हम बगैर इलेक्शन के अच्छे थे।